जैसे एक औरत है, औरत की अपनी कमजोरियां कहने से उसकी एक अपनी तबीयत होती है, आदमियों की अपनी तबीयत होती है, घड़ी लगाए रहते हैं, घड़ी चलती रहती आदमियों की। तो मैं तो बहुत आदमी उसको, तुम घड़ी उतार दो पहले। अब औरतों को है जरूर थोड़ा टाइम लगता है, कहीं जाना हो कुछ हो, अब वो टाइम से नहीं चले तो हो गया आदमी लोग खत्म। इस प्रकार छोटी छोटी चीज, यानी वो बड़ी छोटी चीज, इस पे ही सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि कुछ आदमी सोचते हैं वो इंचार्ज है सब चीज़ के, अब टाइम से पहुँचना नहीं हुआ टाइम से तो कोई ऐसी आफत नहीं आने वाली। धीरे धीरे अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि जिससे आप रिएक्ट न करें, हर समय माइंड को ऐसी दशा में रखना चाहिए कि रिएक्ट न करें, सिर्फ उसको देखते मात्र। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि आप भी ठीक हो जाएंगे, आपकी बीवी भी ठीक हो जाए, और दोनों को ये चीज़ प्रैक्टिस करते कि दोनों जो है इसको विटनेस की तरह से। तो ये जान लेना चाहिए कि औरत चीज़ अलग है, आदमी अलग चीज़ है, और उनके जरिए अलग है, उनके तरीके अलग हैं। हालांकि दोनों की समझ लीजिए सिमिलैरिटी यही है कि दोनों इंसान हैं। अब इस पर थोड़ा सा आप लोगों को खोज करना चाहिए कि सहयोग में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। जैसे एक लड़की लखनऊ की आई थी यहाँ पर शादी होकर, उसके 2500 प्रॉब्लम खड़े हो उस लड़की, उससे बातचीत करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए क्या बात है क्या नहीं। सहजो किसी को तोड़ने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए। तो कोई जैसे चीज़ टूटती है तो उसके पीछे क्या कारण है, कैसा है, इस तरफ आप लोगों को देखना चाहिए और उसको जोड़ना चाहिए। अब जब ये जोड़ना शुरू हो गया तो ये भी सोचना चाहिए कि अब दिल्ली वाले तो वो मुंबई वालों से एकदम जुड़ जाए, वैसा नहीं होता। नहीं, दिल्ली में पूजा होनी चाहिए, क्यों सा अगर मुंबई में हुई तो भी दिल्ली में ही हो रहे। जब आप अपने दिल को बड़ा करके देखिए तो आप तो सारा विश्व है, कहीं भी पूजा हो रही तो भी वो आप ही के लिए हो रही। बहुत ये है कि हमारे दिल्ली में होना चाहिए, आप यहाँ ज़रूर आइए। अब इसी सिलसिले में मैं यहाँ वहाँ भटकती रहती, कोई सौभाग्य कहें मुरादाबाद ज़रूर आइए, फिर कहेंगे कोई आप और फलानी जगह ज़रूर आए। इसी कितने इस उम्र में हम कितने सफ़र करते हैं, इसीलिए कि लोग ये ना सोचें कि हमने किसी को और को फेवर कर दिया आप किसी को। तब फिर मैंने आप जैसे सोचा कि मैं यूरोपियन टूर्स में नहीं जाऊँगी, यूरोप में जाऊँगी नहीं। तब यूरोपियंस हम जहाँ जाते वहाँ आते रहते, रोमानिया गए वहाँ पहुँचे हुए हैं, और हम रशिया गए वहाँ पहुँचे हुए, सारे वहाँ पहुँच जाते क्योंकि अब माँ से मुलाकात कहाँ होगी, माँ तो आने नहीं हमारे देश। तो जो वो खर्चा हमारे आने का करते थे वगैरह, उसी से वो लोग सब इस तरह से अब सब दूर घूम गए। अब देखिए सहयोग में आप सबका नाम सबको मालूम, ये कौन है वो कौन है, रिश्तेदारी कितनी बड़ी, बहुत बड़ी रिश्तेदारी दुनिया भर। और जब आप घूमने लगेंगे इस तरह से, जैसे अब हम कह रहे हैं कि अच्छा हम दिल्ली कभी नहीं आएंगे और हम अब नागपुर आएंगे, समझे तो सारे नागपुर आएंगे, है कि नहीं बात। तो इस तरह से ये डिटैचमेंट होना चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि माँ आप यहाँ आइए, आप वहाँ आए, कोई सोचता ही नहीं कि इस उम्र में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने हमें चलना फिरना पड़ता है, और ज़रा सा इस तरह से अगर आप हर समय ये इधर खींच रहा उधर खींच रहा उधर खींच रहा है तो कैसे हो सकता। तो इस पर भी थोड़ा सब लोगों को समझाना चाहिए कि माँ को जितना कार्य करना चाहिए तो उतना माने कर दिया, और अब वो उनकी जो मर्जी होगी वो होना चाहिए, हम लोग उन पर कोई चीज़ नहीं लगा। वो कहेंगे तो पूजा करेंगे। तो इस पर भी थोड़ा सब लोगों को समझाना चाहिए कि माँ को जितना कार्य करना चाहिए तो उतना माने कर दिया, और अब वो उनकी जो मर्जी होगी वो होना चाहिए, हम लोग उन पर कोई चीज़ नहीं लगा। वो कहेंगे तो पूजा करेंगे, वो खुद कहें मान जाए तो है, नहीं तो नहीं, उन पर ज़बरदस्ती किस तरह की नहीं करेंगे। इससे एक हो जाएगा कि हमारी हेल्थ थोड़ी बच जाएगी। अगर और थोड़ा कार्य करने का है उसके लिए मैं नहीं चाहती कि मेरी खींचा तानी हो। अब जो भी आपको प्रोजेक्ट करना आप लोग उसे करिए, व्यवस्थित रूप से उसे सोच लें और वो बोझा मेरे सर पे मत डाल। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब कोई बीमार है तो फ़ोन कर देंगे फलाने बीमार, अरे भाई तुम लोग सब सहयोगी, तुम
तो पावर्स दे दिए, मुझे क्या परेशान करेंगे, आप लोग करिए, अब आपकी जिम्मेदारी। मेरे मैं तो सोचती हूँ मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और सब कुछ समझते हैं, और ये दिलासा आपको देना चाहिए कि माँ आपको परेशान होने, हम लोग ठीक कर लें, हम इस चीज़ को ठीक कर लेंगे, उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। इस तरह से जब शुरू हो जाएगा तब मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो हालांकि ऐसी हालत है कि यहाँ से चिट्ठियों पे चिट्ठी, किसी का कुछ किसी का कुछ, लेकिन उनसे कहना चाहिए कि भाई आपको चिट्ठी भेजना तो सेंटर्स में भेजो, आप क्यों माँ को परेशान करें। अब ये देखना चाहिए कि कितने लोगों ने सहयोग के, कितने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर हमारे जैसे, हम ही सॉल्व करें उसका ये प्रॉब्लम। अब जब ये बात आ जाती तब पहले तो आपको सहयोग पूरी तरह से मालूम होना चाहिए और आप शुद्ध अंतकरण से करें, दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बहुत से लोगों को देखा हाँ लाओ तो मैं ये तुमको ठीक करता हूँ, तो उसके ऐसा दम निकाल देते हैं कि वो आदमी कहता बाबा सहयोग से छूट। तो ऐसा करिए कि एक कमेटी बनाए और उस कमेटी के थ्रू सॉल्यूशंस होने चाहिए। और जैसे इनको ये है, अब कहीं गए तो उन्हें बता साहब ये इनका ये प्रॉब्लम है, उनका उनका ये प्रॉब्लम है। अब मेरे ख्याल से ये दशा से आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं, आप जानते हैं क्या करना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में। और अगर मन पड़ा तो मैं किताब इस पर भी लिखना चाहती हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सोल्यूशन देना है, पर आप लोग खुद ही इसको लिख सकते हैं, आप खुद ही इसको बता सकते हैं। अब उससे क्या हो जाएगा कि जो ये बोझा जो मेरे ऊपर है ये आप लोगों पे आ जाएगा और उससे आप पनपेंगे, उससे आप बढ़ेंगे। और ये नया साल जिस दिन आप सोच रहे हैं अगले नए साल और कोई नई चीज़, इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले कह रही हूँ, बाद में मैं प्रदेश में कहूँगी, इसलिए कह रही हूँ कि आप में जो धर्म है, में जो एडवांटेज है, जो सभ्यता आपके अंदर है, उसके बूते पर आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। फॉरेन में भी लोग आपको बहुत मानते हैं, कहते हैं कि अगर कोई इंडियंस मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। अब एक लेडी को भेजा इंडियन को वहाँ शादी करा कर, उन्होंने ऐसे तमाशे कर दिए बाबा इनको भेज दो वापस कोई अंग्रेजी की। तो ये चीज़ें हैं जो कि खास करके देखने की और सोचने की। वही दूसरी शादी की भी बात, उस पर भी मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग लीडर्स हैं कि शादी को बहुत सोच समझ के सजेस्ट करें, इससे कोई अपने फ़ायदा तो होता नहीं। आप कितनों की शादी करी उससे कोई फाइनेंशियल भी फ़ायदा नहीं होता है, ना ही कोई और फ़ायदा होता है, सिवाय इसके कि अगर वो हैप्पीली मैरिड हो जाए हस्बैंड वाइफ तो उनको फ़ायदा होता है और बड़े बड़े संत साधु भी जन्म ले सकते। पर वो लोग ये सोचते हैं कि हमें ओब्लाइज करें अगर शादी कर रहे हैं, तो एटीट्यूड ही है कि वो बड़े हमें ओब्लाइज कर रहे हैं कि उन्होंने शादी कर ली, उसका हमें क्या एडवांटेज है। तो जब आप लोग रेकमेंड करिए तो उसको बता दें कि इसमें माँ का कोई एडवांटेज नहीं, सहयोग में कोई एडवांटेज नहीं, सिवाय इसके कि आपकी शादी हम करा रहे हैं ये आपका एडवांटेज है। उसके बाद बहुत छानबीन के बाद ही शादियाँ करानी चाहिए, क्योंकि एकदम से कहीं शादी हो जाती है पर प्रॉब्लम। ये सब देखते हुए कि अब लोग ठीक हो रहे हैं, मैरिजेस ठीक हो रहे हैं, मुझे बच्चों की तरफ भी ध्यान देना। अब जो पहली चीज़ मैंने कही कि सबकी शांति रहनी चाहिए, दूसरी मैंने चीज़ की कि सामाजिक औरतों का मान और औरतों को संभालना, और जो समाज की जो दूरी, जो समाज का जो आधार है वो औरतें, औरतों को समाज संभालना पड़ता है, उसके लिए पुरुषों की इतनी ज़रूरत नहीं, पुरुषों का काम है कि अपना इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स करते हैं, पर औरतों को समाज तो वो सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए, समझदार होनी चाहिए और सूदने होनी चाहिए, तब ये समाज अपना ठीक रहे। अब बहुत सी औरतें हैं भी जनरस नहीं है, कभी सहयोग के बारे में खास जानती नहीं, और जो जानती हैं वो अपने पता नहीं क्या समझती, तो उनमें बैलेंस लाना, उनको बिठा के समझाना ये बहुत ही ज़रूरी काम है। दिखने में लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये बड़ी अहम बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है,
कि जो हमारे यहाँ की स्त्री है उसको पता होना चाहिए वो क्या है, किस लिए इस दुनिया में आए, उसका क्या कार्य है। वो है समाज बनाने वाली, और उसको समाज बनाने में कहाँ तक आप मदद कर रहे हैं या समझ रहे हैं। इस तरह से एक ध्यान इधर हो जाए तो दूसरा मतलब ये कि औरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी। तीसरी जो चीज़ मैंने बताई है वो है कि बच्चों के बारे में। अब बच्चों के बारे में भी हमारे जो ख्यालात हैं, जो कुछ भी है, उसको समझना चाहिए। बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। इंग्लैंड में एक किताब उन्होंने छापी जिसमें उन्होंने बच्चे सबके बारे में क्या कहते हैं वो लिखा। वो जब छापी, जिस दिन पब्लिश हुई, दूसरे दिन सारी की सारी बिक गई। और अभी यह हाल है कि आपको किताब मिलना मुश्किल, क्योंकि इतनी मज़ेदार है बच्चों की चीज़, और सब लोग पढ़ना चाहते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चों का क्या है। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें उसमें बच्चों ने बताई, यहाँ तक कि उस ज़माने में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो और मिनिस्टर्स थे उनके बारे में। उससे दो चीज़ हो जाएगी कि एक तो समाज में बच्चों की कोई अपनी कहना चाहिए शक्ति हो जाए, बच्चे जो कह रहे हैं उनमें क्या इनोसेंस है, उसके थ्रू ये क्या कह रहे हैं ये सारे समाज को मालूम है। तब समाज से आदान प्रदान होता है, बच्चे देखते हैं कि हमने जो कही बात मानी गई। फिर जो बड़े हैं वो सोचते हैं कि ये बच्चों ने बात कही, इसको कैसे हमें अटेंड करना चाहिए। सो वो आदान प्रदान शुरू करना चाहिए। उसमें बच्चों में रूडनेस नहीं आनी चाहिए, ना ही उनमें कोई अहंकार होना चाहिए, पर अपनी बात कहने की क्षमता उनमें आ जानी चाहिए। उस बात को भी आप ध्यान देकर, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें बच्चे करते हैं कि मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे अगर 100 बच्चे दे दीजिए तो मुझे फिर कोई चीज़ की जरूरत नहीं। इसी उनकी जो समझ है बड़ी गहरी और बड़ी संवेदनशील, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को इतने प्यार से बताते हैं कि जैसे कि कोई सारी डिवाइन नॉलेज और डिवाइन जो कुछ एक्टिविटी है उसमें बिल्कुल समाए। छोटी छोटी बातें, अब जैसे यहाँ ये रखा, कभी कभी कोई बच्चा होगा तो वो आ कर के इसको ऑर्गेनाइज करेगा, ऐसे नहीं, माँ के लिए ये चीज़ पहले रखनी चाहिए, वो चीज़ बाद में रखनी चाहिए, ला के रख दिए एक जैसे, ऐसे थोड़ी रखते हैं। वो लोग वाइब्रेशन से सारी बात करते हैं, देखा अधिकतर बच्चे वाइब्रेशन पर बात करते हैं, और फिर वो बड़ों को भी बहुत ठीक करते कह के। ऐसे एक साहब आए तो वो बैठ गए, बैठते बैठते वो ऐसे हाथ कर दिए, तो दो बच्चों ने उनके कहा कि ये आप ऐसे पीछे हाथ कर टाप टेप करके बैठे, आप सीधे बैठिए इस तरह से। तो वो ज़रा नाराज़ हो गए, तो उसे क्या मतलब, पहले ऐसे मत बैठे। तो क्या बात, तो आपको माँ के वाइब्रेशंस कैसे मिलेंगे, ये तो सारे आपको ज़मीन के वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो ये बच्चों अच्छे आपको छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे, ऐसे अनेक चीज़ें मिलती हैं जो मुझे मालूम है। अब मुझे बड़ा मज़ा आता है जिस तरह से बच्चे बहुत सारी बातें कह डालते हैं और समझाते हैं, और मेरा भी बड़ा ख्याल रखते हैं। तो बच्चों से सीखना जो तीसरा यह है कि बच्चों से सीखना, बच्चों से रिपोर्ट रखना, उनसे बात करना। फिर जब बड़े हो जाते हैं तब वो हम ही जैसे हो जाते हैं, लेकिन जो संवेदनशीलता है वो बचपन में होती है। तो उनसे बैठकर बातें करना, उनसे पूछना किसी भी चीज़ के बारे में कुछ, ये बड़ी आह्लाददायिनी चीज़ है, और इस आह्लाद को सबको प्राप्त करना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया कि रिलीजन के नाम से जो लोग झगड़ा करते हैं उनके अंदर शांति प्रस्थापित करें, उनसे बातचीत करो, समझा कर। और फिर जो दो सेकेंड है, मैंने आपसे बताया कि समाज अगर अच्छा नहीं होगा तो कभी भी अमन चैन शांति उस देश में नहीं आएगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। अब जैसे देखिए रशिया की बात मैंने देखी कि वहाँ का समाज बहुत अच्छा है, चाइना का समाज बहुत अच्छा है, इसी तरह हिंदुस्तान का भी समाज अच्छा है, और इसका कारण वहाँ की स्त्रियाँ, उन्होंने समाज को बांध रखा। अमेरिका में बहुत समृद्धि है, सब कुछ है, पर समाज बहुत खराब। तो सहयोग का बड़ा भारी कार्य है कि समाज की जो फाउंडेशन है उसको बनाए,
हर जगह के जो समाज है उसमें क्या क्या गैर कानूनी चीज़ होते हैं, क्या क्या गैर बातें होती हैं। अब जैसे वहाँ पर अमेरिका में एक छोटी लड़की को बहुत मारा पीटा गया, ये वो, तो उनका फ़ोन आया मुझे, वहाँ हम चाह रहे हैं उस लड़की को सपोर्ट करने का, बिल्कुल करो, उसको बहुत ज़रूरी, उसको क्या चाहिए क्या नहीं उसको अपने पास ला कर रखो, देखो और उसकी बहुत मदद करो, पुलिस से पूछ करके कि हम इनको संभालते हैं। तो एक तरह का नया आयाम, नया डायमेंशन आपको मिल जाएगा कि ये लोग बहुत परवाह करते हैं, कोई परेशान है, किसी के पास में खाने पीने को नहीं है, किसी के पास में और कुछ चीज़ जिसके लिए परेशान है, वो किसी लालच की वजह से नहीं पर परेशानी की वजह से परेशान है, तो उसकी तरफ ध्यान देना हम लोगों को अब बहुत ज़रूरी हो गया। टाइम आ गया कि जब हम सामूहिक तरीके से समाज के प्रश्नों का हल निकालें और इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे एक इन्फर्मरी निकाले कि जो लोग बुढ़े हो गए हैं और जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो उनको जो है कोई रहने की जगह होनी चाहिए। फिर वहाँ एक रेफ्यूजी कैंप निकाला, फिर वहाँ एक लेपर होम निकाला। काफ़ी छोटी उम्र से हमारे तीनों चीज़ें शुरू करा दी, हम चले आए पर अभी तक वो चल रहे हैं। तो इस तरह की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि समाज में इस तरह के लोग हैं जो कहना चाहिए कि एक तरह से वंचित, उनकी हेल्थ नहीं अच्छी जिसको कुछ नहीं। अगर आप इस तरह के समाज को मदद करें तो बड़ा आपके प्रति सबको आदर और प्रेम हो जाए। अपने प्रति तो हम लोग कर ही रहे हैं, अपने को तो हमने पा ही लिया, पर हम औरों को क्या देंगे। और ख़ासकर सहज की शक्ति के कारण आप जितने लोगों को चाहें उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, उनके साथ अच्छाई कर सकते हैं, उनके आश्रम बना सकते हैं। तो एक तरह से समाज का एक बोझ हमारे ऊपर है कि जब हमारे पास परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है तो हम इस समाज को सुचारू रूप से किस तरह से परिवर्तित करें कि जिससे इनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक, इसके अलावा इनकी स्पिरिचुअल शक्ति भी बढ़ जाए। ये एक कार्य सहयोगियों को लेना चाहिए और अलग अलग जगह से ऐसे लोगों को लेकर समाज में जो लोग पिछड़े हैं, जो दुर्बल हैं, उनकी मदद करना चाहिए। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि आपके बारे में पॉपुलैरिटी सारे देश में फैले। असल में लोग ऐसे फोरम बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए में या कुछ कमाने के लिए। हमको तो वो सब नहीं चाहिए, पर सिर्फ अपनी शक्ति से आप इस तरह के लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब वो लोग अगर ठीक हो जाए तो वो स्वयं अपनी शक्ति से ये सिद्ध कर सकते हैं कि सहयोग से लोगों का भला हो। और इतना ही नहीं, और ये भी वो सबसे खुलेआम कह सकते हैं सहयोग क्या है क्या नहीं। पर आपको अब मेरा मतलब है कि आज नए साल में ये जो हमारा एक ढर्रा है या ये जो शेल है जिसमें हम लोग रहते हैं उससे निकल करके और बाहर की ओर प्रोजेक्शन करें। शुरुआत में प्रॉब्लम्स होंगे, खुद आप ही के अपने ईगो पहली चीज़ खड़ी हो जाएगी, अब वो आपको खोपड़ी ख़राब करेगी, गुस्से आएंगे, आप नाराज़ी होगी, तरह तरह की चीज़ें। पर इस पे काबू पाने के लिए भी तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो आप जानिएगा कैसे। यहाँ ठीक है, यहाँ तो सभी राम नाम है ठीक, पर जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि बाहर वालों के साथ हम कैसे रहें, क्योंकि उनको भी इंटीग्रेट करना है। और जब हम उनके साथ डील करना अच्छे से समझ जाएंगे शांतिपूर्वक, तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर एकदम से सफाई होगी। ये सफाई की बात है, बहुत से लोग हैं हमारा तो आपकी बात ठीक है, आप जो करें सो ठीक है, पर हम नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि आप भगवान हैं और हम ही। मैं कहा भगवान तो कुछ भी नहीं करते, वो तो बिल्कुल दूर ही रहते हैं। तो अगर हम भगवान हैं और हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी अपनी जो स्थिति है, जो आपने इतनी ऊंची स्थिति पाई हुई है, उसको आप इस तरह से बनाइए कि उसकी उपादेयता हो। ये नहीं कि बेकार में आप सहयोगी बने बैठे, उसके उपयोग में लाने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए जो आपके पास आशिक है। और उसके जब आप अपने और ध्यान देंगे
तो आप देखेंगे कि आपका घर, आपका समाज और आपका देश सभी जगह एक तरह का नया स्वरूप आ जाए। अभी भी सहयोगी देखिए तो हैं बड़े अच्छे, उनके मुंह पर तेज है, आंखें चमक रही हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये तो कोई भी रियलाइज सोल के हो सकता। पर आप में एक और चीज़ है, इसकी उपादेयता, इसका यूज़ आप दूसरों पर कर सकते, सामूहिकता। और जब वो चीज़ शुरू हो जाएगी सामूहिकता में, जब आपका आप अग्रसर होंगे, मूवमेंट होगी आपकी, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जो आपकी पावर्स हैं, जो हैं, ये न तो आप सबको उससे ठीक कर सकते हैं पर आप उनको दे भी सकते हैं। पर ये आज तक हम लोग ने जैसे है ना कि सब लोग एक्सक्लूसिव बहुत है इस मामले, सहयोग माने सहयोग और किसी से काय को बात करें, तो किसी भी पैमाने पर ये बात हो रही हो उसमें ध्यान देना चाहिए और उधर बातचीत करने में कोई हर्ष नहीं। और न ही इसमें कोई हर्ष है कि आप उन लोगों को सहयोग में खींचें, और जो नहीं है सहयोग में कोई हर्ष नहीं, पर उनके लिए तसल्ली और उनके लिए शांति देना ज़रूरी है। तो इस तीन पैमाने पर आप लोगों को काम करना है कि हम कैसे कर सकते। अब जैसे आप लोगों ने बैठ करके अभी मकान के लिए ठीक कर दिया, ज़मीन ठीक कर दी, बड़ी भारी बात, उससे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ वो ये कि हम लोगों के जो दुनिया भर में रेपुटेशन है उसमें आना चाहिए कि ये गरीबों की मदद करते हैं, औरतों की मदद करते हैं, ये डाउन ट्रॉडन लोगों की मदद करते हैं, बीमारों की मदद करते हैं, मिशनरी झील से नहीं, पर यह कि अंदर से इनको महसूस होता है और ये करते हैं। इससे सहयोग के लिए चार चांद लगता है और ये हम लोगों को करना चाहिए, इसकी मेहनत करनी चाहिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। तो ये नया साल में जो मैंने कहा इसको ट्रांसलेट करके भी आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो सुनना चाहेंगे कि कैसे क्या। एक तरह से हमारे इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ाना चाहिए और जब वो बढ़ने लगेगा तो आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां बिल्कुल निर्विचारिता आ जाएगी। और जैसे निर्विचारिता आ जाएगी आपको चाहिए कि उसको किसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। निर्विचारिता में जो आप कार्य कर सकेंगे और कभी नहीं कर सकते, तो इसलिए अपनी तरफ ध्यान दे करके, अपनी ओर ध्यान दे करके अपने को निर्विचार होने का प्रयत्न करें। ध्यान में निर्विचारिता लानी चाहिए, उस निर्विचारिता में आप अपने माइंड से ऊपर चले गए और सारी जो कोई कॉस्मिक शक्तियाँ वो आपको मदद करेंगी और आपका जो मन होगा वो सब हो सकता है। पर ये सब करते वक्त आपको निर्विचार होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है, और नहीं तो ये आधा इधर आधा उधर इस तरह से चले। बहरहाल अब तो ये ज़रूर कहना चाहिए कि बहुत अच्छे हम लोग सब व्यवस्थित रूप से संगठित हो गए हैं, पर इसकी उपादेयता, ये जो हमने किया, जो हम रियलाइज सोल्स हो गए, तो क्या वो किस लिए किया? या बुद्ध के जैसे मरने के लिए क्या, या महावीर के जैसे कपड़े उतारने में क्या, किस चीज़ में इसका उपयोग किया हमने, कहाँ कर सकते? और मैंने देखा है लोगों को वाइब्रेशंस का उपयोग बहुत करते हैं, कहीं जाए कोई प्रॉब्लम हो तो वाइब्रेशंस करना शुरू, पर ये तो अपने लिए हम करते हैं, अपने उपाधियता के लिए या ज़्यादा ज़्यादा सहयोग के लिए। पर जो नॉन सहयोगी हैं उनके लिए भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और कोई कठिन बात नहीं, जो आपके अंदर ये शक्ति है चाहे जिसको देना चाहे आप दे सकते हैं। तो तब जब ये परोपकारी होने की जो प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो गई तो कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। अब यही कहना है कि अपने जो भी कहा बैठ के लिख लीजिए और उसका सिलसिला बना लीजिए और सोचिए कि इस पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते।